जब जब बहार आए। अरे यार क्या करूं, दिन ही पूरे आ गए। कहते हैं ना दिन खराब हो तो समझ में नहीं आता। बस एक छोटा सा काम है, एक मर्डर करना है। गोलमाल है भाई साहब, गोलमाल है। कब चलना है सुकेश को मारने? ये हुई ना मर्दों वाली बात। गोलमाल है भाई, मैं तुझे बताता हूँ। गोलमाल है, तैयार है ना? कॉल करूंगा। ये कॉल का स्याप ही खत्म कर देता हूँ। इसको इधर रख देता हूँ, ना सुनाई देगा ना मैं फोन उठाऊंगा। पर यार जुगनू, यहाँ से तो सुनाई देगा तेरे को। यार रखता हूँ, कहाँ रखूँ। इधर रख दो इसको, आप नहीं सुनाई देगा। नहीं यार, आप ही सुनाई देगा कहीं ना, और ये ऐसी गुप्त जगह पे रखना पड़ेगा मेरे को। हेलो हेलो, कौन? बेबे, बेबे जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल पुत्र। बेबे मैं ना तुझे बहुत याद करता हूँ। बात करता है? मरजनिया बात ही तो कर रहा है ना। मरजनिया मुंबई जाके ना तेरी पंजाबी खराब हो गई है। अरे नहीं नहीं बेबे, मैं ना बहुत परेशान हूँ। मकान है? पोतर में जदों तक जिंदा है ना मेरे ही नाते रहेगा, मेरे मरण तो बाद तेरे नाते होएगा जाके। एक तो ना ये बेबे को ऊंचा सुनाई देता है। बेबे ये लोग ना मुझसे मर्डर कराना चाहते हैं, इसलिए मैं परेशान हूँ। मर्डर कराना चाहते हैं, मर्डर। बर्गर? मोया बर्गर खाएगा तो पेट च मरोड़ ही उठेंगे ना। अरे बेबे समझ नहीं है। बेबे मेरे से खून कराना चाहते हैं, खून। सपून ले, जदों तू मेरे कोल पंजाब च सी ना हाथ नाल रोटी खांदा सी, मुंबई जाके ना तेरी पंजाबी अति बिगड़ गई। अच्छा बेबे सत श्री अकाल। सत श्री अकाल पुत्र। शुक्र है जुगनू तू है नहीं भुलिया। सत श्री अकाल सुनाई देता है बेबे को, और कुछ नहीं इसको सुनाई देता। वाह मेरी बेबे। चाचा जी अगर सुकेश ने आपको धोखा दिया है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जीवन खत्म हो गया। क्या सोच रहे हैं, क्या है आपके दिमाग में? देखिए मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूं, किसी भी लेवल पर अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए आई एम देयर। आपको नया बिजनेस शुरू करना है, नौकरी करनी है, प्लीज। इस वक्त मैं कुछ नहीं सोच सकता। सुकेश मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा। जब तक मैं हिसाब किताब बराबर ना कर लूं चैन से नहीं बैठूंगा। कैसा हिसाब किताब मुझे बता सकते? देखिए मैं कहता हूं भूल जाइए सब कुछ और जीवन में आगे बढ़िए प्लीज। तो बढ़ पाया है? मैंने जो उठाना है उसे पूरा ना कर लूं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। ये जो गुस्सा लेकर बैठे हैं ना आप अपने दिल पर, यही गुस्सा आपको किसी दिन जेल लेकर जा सकता है। अब तो फांसी लगनी बाकी है, वो भी लग जाए तो कोई परवाह नहीं। चाची मैं सब समझता हूं।
कुछ नहीं समझते मनीष, सब बर्बाद कर दिया तुमने और काम्या ने, सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम्हें क्या लगता है कि ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? नहीं, ये कहानी तो अभी और बढ़ेगी। शादी कोई मजाक नहीं होता मनीष, शादी अनजाने रिश्तों का एक ऐसा बंधन होता है जो जब टूटता है तो बस सैलाब ही आता है, और उसकी जीती जागती मिसाल तुम और काम्या हो। अभी भी वक्त है मनीष, संभल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि ये सैलाब किसी की जान लेकर जाए। तलाक मांगा और तुमने दे दिया। अब यहां तुम अकेले बच्चों के साथ घुट घुट के जी रही हो और वो वहां आराम से खुला घूम रहा है। तुझे मनीष को सजा देनी होगी। उसे माफ ना करके विशाखा के कारण तेरी हस्ती खेलती जिंदगी बर्बाद हो गई। काम्या विशाखा इंडिया आ चुकी है। पहचानोगी कैसे उसे? वो चाहे कहीं भी हो, किसी भी रूप में हो, मैं उसे पहचान लूंगी। विशाखा की वजह से मेरा बसा बसाया घर उजड़ गया, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। सब गोलमाल है। हेलो, क्या कर रहा है? कंबल लपेट के लेटा हूं, ठंड बहुत लग रही है। चल उठ जा, आज उस सुकेश का कांटा खींचना है। कांटा? मुझे तो मछली पकड़ना आता ही नहीं है। आता है कि नहीं? आता हूँ जी, आता हूँ। और हाँ सुन, जिस कंबल में सो रहा है ना, वो कंबल और एक रॉड साथ में लेके आना, समझ गया? सीधे सुकेश के क्लब पे मिलते हैं। कंबल भी बोले साथ ले आई हो, लगता है जरूर ना इसी कंबल में सुकेश की लाश लपेट के फेंके। चल भाई जुगनू जलंधरी, चढ़ जा फांसी। देखो विक्की भैया भी ना पता नहीं कैसी कैसी जुतियां गिफ्ट कर देते हैं मेरे को, पता नहीं क्या क्या पहनना पड़ता है। आए वे बेबे, सही कहती थी तू, सब कर्णों की सजा भुगतनी पड़ती है बंदे को।
से बाहर आएगा तब करना है। पर यहाँ पे तो इतने लोग हैं, कैसे होगा? किसी ने देख लिया तो? अरे वो सबसे आखिर में बाहर आता है, जैसे ही आए उसे दबोच लेना है और फिर उसका काम तमाम। देखो आप गलत कर रहे हो, आपने ना प्रॉमिस किया था कि काम तमाम नहीं करना, मर्डर नहीं करना, सिर्फ हाथ पैर तोड़ने हैं। वो मौका देख के तय करेंगे, अभी खामोश रहे। लोग आ रहे हैं। आ गया। इसने तो दारू पी है, ये तो दारू पी के गाड़ी चलाएगा, ये तो वैसे ही एक्सीडेंट में मारा जाएगा। नहीं मारा तो पुलिस पकड़ लेगी ड्रिंक एंड ड्राइविंग के चक्कर में। क्यों आपने हाथ गंदे करे? गाड़ी चलाने रहे करेगा तब गाड़ी चलाएगा ना। चल जल्दी उसके ऊपर कमरे ला। चल चल, मेरे पैर भारी हो रहे हैं, मुझे उठा नहीं देता। गए लेकिन इतना तो तय है, ये जूता जिसका है उसी ने मुझ पर हमला किया। छोड़ूंगा नहीं उसे, छोड़ूंगा नहीं। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। जी मेरी एक जूती तो वहीं पे रह गई। अरे भूल जा जूती को। भूल जा? ऐसे कैसे भूल जाऊं? विक्की भैया ने दी थी, गिफ्ट स्पेशल थी मेरे लिए। ओह सुबह जाके ढूंढ लेना। अरे जो काम दिया था वो तो तूने ठीक से किया नहीं, और जूती के लिए रो रहा है। जा चुपचाप जाके सो जा और देख खबरदार, अगर किसी से कुछ भी कहा है तो तेरी हालत भी उस सुकेश जैसी कर दूंगा। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। जब जब बहार आए। चुपचाप जाके सो जा और देख खबरदार, अगर किसी से कुछ भी कहा है तो तेरी हालत भी उस सुकेश जैसी कर दूंगा। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। एक तो हर बात पे तमकाते रहते हैं। जुत्ती तो रहेगी मेरी मौका है वारदात पे, इनका क्या जाता है? फंसूंगा तो मैं ही जुगनू जलंधरी इन प्रिजन। माता रानी बस आज की रात संभालो, सुबह उठते ही सबसे पहले मैं उस जुत्ती को ढूंढने की कोशिश करूंगा। चलो
आज की रात तो सो जाओ, माता रानी पला करेगी। सुनिए, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? जब तक मुझे ये पता ना चल जाए कि ये जुगता किसका है, मुझे चैन से नींद नहीं आएगी। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये हरकत किसने की है? मुझे पता है ये हरकत किसने की है। ये जरूर तुम्हारे उस जीजा ने या फिर उसी के किसी फैमिली मेंबर ने की होगी। लेकिन बिना सबूत के आप ये कैसे कह सकते हैं? सबूत भी बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। जब पुलिस की थर्ड डिग्री पड़ेगी ना, तो सारे सबूत एक एक करके सामने आ जाएंगे। पुलिस? लेकिन आपने तो किसी को देखा भी नहीं है। आप बेवजह उन लोगों को परेशान करेंगे? नहीं, मैं तो आपके भले के लिए कह रही थी। मेरे भले के लिए या उस महाराज के भले के लिए? नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था? हाँ, बीवी तुम मेरी हो, मुझे सपोर्ट करने के बजाय मुझसे ये कह रही हो कि पुलिस पे मत जा। सुकेश प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ऐसा मत कीजिए। काम्या दीदी और मनीष जीजू का रिश्ता वैसे ही बिगड़ा हुआ है, अगर आप पुलिस के पास गए तो बात और बिगड़ सकती है। मैं काम्या और मनीष के रिश्ते की बड़ी फिक्र रहती, और हमारा क्या? हमारा रिश्ता तो अच्छा ही है। आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, मुझे किसी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। Really? You think so? हाँ, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ जो मैंने आपको पाया है। और आप बहुत अच्छे इंसान हैं। और सुकेश प्लीज प्लीज आप पुलिस के पास मत जाइए। ठीक है? सच? अब जब तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, मैं इतना अच्छा हूं, तो तुम्हारी इतनी बात तो मान ही सकता। थैंक यू सुकेश। पुअर नीलू, कितनी बेवकूफ हो तुम। तुम्हें लगा मैं तुम्हारी इन झूठी बातों में फंस गया? एनीवे, पहले पता तो लगा लो कि सच्चाई क्या है। जब जब बहार आए। बैठो कविता। कविता, क्या हुआ, परेशान हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कविता, मैं तुम्हें पिछले 30 साल से जानता हूं। चलो जो भी है जल्दी से बता दो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। देखिए,
आप नाराज तो नहीं होंगे? बोलो। वो मैं कामिया के घर गई थी। जानता हूं, कल से जानता हूं। एक और दुख लेके आ रही वहां से। कविता तुम्हें कितनी बार बताया कि वो हमारी अब कुछ नहीं लगती, वो पराई लड़की। नहीं, आप जानते नहीं है, कामिया की कोई गलती नहीं है। कामिया की गलती नहीं है तो किसकी गलती? वो मनीष लंडन। क्या मनीष लंडन? अरे बताओ ना, सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रही हो? क्या मनीष लंडन? मनीष लंडन गया था तो उसकी जिंदगी में विशाखा नाम की एक लड़की आ गई थी। बच्चे अपनी मम्मी के पास वापस आ गए, जैसे आप दोनों अपनी मम्मी के पास और पापा के पास भी। हाँ, अच्छा ये बताओ, तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? मम्मी पापा दोनों। हाँ बेटा, सब मम्मी पापा ना अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा कोई एक फेवरेट जरूर होता है। तुम्हारा फेवरेट कौन है? मम्मी पापा दोनों। हाँ, मम्मी ना बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि मम्मी बच्चों को जन्म देती है, उनको पालती पोसती है। ये पालती पोसते क्या होता है? अरे बुद्धू, मम्मी हमें संभालती है ना, उसे पालती पोसती कहते हैं। एग्जैक्टली। तो सोचो, मम्मी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर मम्मी नहीं होगी तो तुमको खाना कौन बना के खिलाएगा? तुम्हें स्कूल के लिए तैयार कौन करेगा? तुम्हारे कपड़े कौन आयन करेगा? और तुम्हें शॉपिंग कौन लेके जाता है? मम्मी। राइट। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन हुआ? मम्मी। वेरी गुड। तो जब आपसे कोर्ट में जज आंटी पूछेंगे कि आप लोग किसके साथ जाना चाहते हो, तो आप क्या बोलोगे? बोलो बोलो। आप बोलोगे कि हम मम्मी के पास जाना चाहते हैं, क्योंकि मम्मी आपको बहुत ध्यान रखती हैं, बहुत प्यार करती हैं आपसे। लेकिन हम मम्मी पापा दोनों के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन बेटा, अगर मम्मी और पापा दोनों साथ रहेंगे तो हमेशा लड़ते रहेंगे। क्या आप चाहते हो कि वो हमेशा लड़ते रहें? चिंटू, क्या आप चाहते हो कि मम्मी पापा हमेशा झगड़ा करते रहें? नहीं। और माधवी, आपको अच्छा लगता है कि वो लोग हमेशा झगड़ा करें? नहीं। तो फिर उनको अलग होना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर वो अलग रहकर खुश रहेंगे तो तुम दोनों को भी ज्यादा प्यार करेंगे। आप समझ रहे हो ना मैं आपको क्या कह रही हूँ?